फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ पेन टूल के बारे में, यानी पेन टूल का सही टेक्निक क्या है यूज़ करने का। मैं पेन टूल के बारे में आज इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेन टूल को कैसे यूज़ किया जाए और पेन टूल के यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं पेन टूल सेलेक्ट करके रखा हूँ। जैसे ही किसी टूल को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो ऊपर में इसकी प्रॉपर्टी बार ओपन हो जाती है, यानी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में दो चीज़ों को सबसे पहले समझें आप। एक फर्स्ट वाला ये ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलते हैं, शेप है, पाथ है एंड पिक्सल्स हैं। आपको रखना है यहाँ पर पाथ, यानी पाथ को सिलेक्ट करके रखना है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ऑटो ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट का ये सिंबल है, इसको आप चेक करके रखेंगे। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो बेस्ट सिलेक्शन करने के लिए इसको आप चेक करके रखें, और जब ज़रूरत पड़े तो एंकर पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पाथ ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक किया तो ये एक एंकर पॉइंट बना, और दूसरे जगह जब मैंने क्लिक किया तो दूसरा एंकर पॉइंट बना। अब इस एंकर पॉइंट और इस एंकर पॉइंट के बीच में जो ये लाइन मिल रही है, जो आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पाथ। अब ये पाथ आपको शेप में भी कन्वर्ट करके डिज़ाइन दे सकता है और रास्टराइज इमेज भी दे सकता है। ये कैसे होगा अभी देखिए। अगर मैं फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ और ऐसे लाकर मिला देते हैं, अब ये पाथ कंप्लीट है। इस पाथ को आप शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ऊपर प्रॉपर्टी में यहाँ पर शेप का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फोरग्राउंड कलर में फिल रहेगा वही कलर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पाथ क्रिएट हो गया। पाथ किस चीज़ में क्रिएट हो गया? शेप में। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक नहीं करता तो दूसरा तरीका था, आप एडजस्टमेंट लेयर पे आ जाएं और उसके ऊपर सॉलिड कलर होगा, इस पर क्लिक करें, ये भी आपको पाथ शेप में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं ऐसे। तो हमें यहाँ पर यह क्लियर हो गया कि पेन टूल से किसी भी पाथ को शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको अगर आप रास्टराइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी सिलेक्शन में बदलना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल एंटर प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर दूसरा काम ये करें कि इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर मेक सिलेक्शन कर दें। यहाँ पर जब आप मेक सिलेक्शन करेंगे तो एक स्पेशल चीज़ मिल जाएगी फेदर का, यहाँ से आप फेदर यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही ओके करेंगे ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रही बात किसी पाथ को सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या किसी पाथ को शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग पाथ बना लें और उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सीख लें या शेप में कन्वर्ट करने के लिए सीख लें। हम लोगों को सीखना है किसी प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्शन किया जाए। तो मैं इसको कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ऑटो ऐड और ऑटो डिलीट का जो ये एंकर पॉइंट का जो ऑप्शन है, इसको मैं इस वाले ऑप्शन में कवर करूंगा। अब इस तरह का कोई शेप है आपके पास या कोई प्रोडक्ट है, इसको अगर आप पेन टूल से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करूँ, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये एक एंकर पॉइंट बनता है, लेकिन दूसरी बार जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो दो हैंडल्स भी मिल जाते हैं कर्व करने के लिए। उसी तरह से अगर मैं ये नहीं करता और सबसे पहले ही मैं क्लिक करके और ड्रैग कर देता तो क्या होता? जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और ड्रैग करके उसके बाद इस वाले हैंडल को मैं फोल्ड करना चाहूँ तो कैसे फोल्ड करूँगा? या तो आप ऑल्ट प्रेस करके इसको कन्वर्ट कर दें कन्वर्ट पॉइंट टूल में, या फिर आप करें पेन टूल के अंदर, यहाँ पर कन्वर्ट पॉइंट टूल है, इसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये तरीका है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं जब आप सिलेक्शन करें तो सिलेक्शन करने के वक्त ये राउंडेड बने, यानी स्मूथ सिलेक्शन बने। स्मूथ सिलेक्शन बनाने के लिए हम लोग इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ पर मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया
और उसके बाद आगे मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। गलती कहाँ होती है, यही गलती होती है, आप लोग क्या करते हैं ऑल्ट प्रेस करके इसको कट कर देते हैं और फिर से यहाँ क्लिक करते हैं और आगे फिर ऑल्ट प्रेस करके कट करते हैं। यहाँ नुकसान ये होता है कि जहाँ जहाँ एंकर पॉइंट आपका बन रहा है ये स्मूथ नहीं बन पाएगा। यहाँ पर जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे या इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होगा, वो ये कि यहाँ कर्व बन जाएगा, एक कॉर्नर बन जाएगा। उससे बचने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूँगा, ऐसे ड्रैग कर लीजिए और उसके बाद इस हैंडल को ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग करके इस तरफ लेकर आऊँगा, क्योंकि ये अपकमिंग हैंडल्स जिस तरफ दिखाई देगा मतलब इस एंकर पॉइंट से उसी तरफ पाथ बनने वाला है। अब अगर मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँ तो देखिए स्मूथ पाथ बनेगा, यहाँ से स्मूथ पाथ बनेगा। दूसरी बात क्या हुई, हमारे पास ये हैंडल्स हैं जिसको बाद में भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हैंडल्स को ही यहाँ से डिलीट कर देंगे तो बाद में अगर आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत होगी तो फिर से ऐड एंकर पॉइंट करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके इसको छोटा कर लेते हैं, यानी सही लाइन सही डायरेक्शन दे देते हैं और उसके बाद फिर से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते हैं। तो यहाँ से जो लाइन बन रही है वो स्मूथ बनती है लाइन। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर दूं और उसके बाद अगर यहाँ से सिलेक्शन करूं तो ये स्मूथ लाइन बनेगी। ये देखिए अभी आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा। ये देखिए ऐसे ड्रैग करके हमने यहाँ मिला दिया और ये हैंडल जो इस तरफ जा रहा है इस हैंडल को फोल्ड करके इस तरफ लाना है, तो उसके लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और ड्रैग करके इस तरफ लाएंगे ऐसे। इसको लाने से फ़ायदा ये होगा कि ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। अब देखिए मैं इस वाले हैंडल से सिर्फ यहाँ पर मिला रहा हूँ इसको, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, ये नहीं मिल रहा है। तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस वाले हैंडल को पकड़कर लाकर ऐसे मिला देंगे। ये फ़ायदा होता है हैंडल को बनाकर रखने से। और अगर ये हैंडल मैं यहाँ डिलीट कर देता तो फिर इसको अच्छे तरीके से मैं नहीं मिला पाता। अब अगर मैं इसको भी करना चाहूँ तो इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे। ये देखिए अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसको और ऐसे कर लेंगे, अब प्रॉपर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इस हैंडल को फिर से मैं पकड़कर इस तरफ लाऊंगा ऐसे और लाकर ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर नहीं हो रहा है तो फिर से इसको लाकर थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ऐसे और इसको भी थोड़ा सा ऐसे मिला दीजिए और इस हैंडल को पकड़कर फिर बाहर लाएंगे और ऐसे कर लेंगे। यानी इससे फ़ायदा क्या होगा, जितने भी अपकमिंग हैंडल्स हैं, ये आने वाले जो हैंडल्स हैं इसको बोलते हैं अपकमिंग हैंडल्स और पीछे वाले हैंडल्स को बोलते हैं कंट्रोल हैंडल्स, ये याद रखेंगे। अगर आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं तो पेन टूल को यूज़ करते हुए अगर इमेज को नीचे लाना है, इस फोटो को नीचे लाना है, तो आप स्पेस बार का यूज़ करेंगे। स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं आप। और इस पेन टूल को अगर मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट करना है तो आप ए प्रेस करेंगे या कंट्रोल प्रेस करेंगे। अभी मैं सबसे पहले इसमें लाकर मिला देता हूँ ऐसे। ये देखिए लाकर मिला दीजिए। अब देखिए ये ठीक तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको आना होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट होता है ए, अभी आप लोगों को बताया, या फिर आप टूल बार में आकर के इस पर क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पाथ पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो ये सभी एक्टिव हो जाएंगे। अब मैं इस वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों हैंडल्स हमारे पास मौजूद है, ये देखिए हैंडल्स मौजूद है। अब मैं इसको अगर एडजस्ट करना चाहूं तो ऐसे करके एडजस्ट कर सकता हूं, ये देखिए, और इस वाले हैंडल को पकड़कर मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं, और इस वाले हैंडल को मैं आगे पीछे भी करना चाहता हूं तो ऐसे करके आगे पीछे ला सकते हैं। और अब इसको मैं एडजस्ट करता हूं ऐसे। तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि हैंडल को बनाकर रखने से फ़ायदा क्या होगा। ये देखिए हैंडल्स हमारे पास मौजूद हैं तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बाद में भी इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये फ़ायदा होता है हैंडल को बचाकर रखने से। अब देखिए सिलेक्शन हो गया है, अब इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ से और मेक सिलेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फेदर यूज़ कर लेंगे 1 पिक्सल का। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सिलेक्शन बनेगा वो काफ़ी स्मूथ सिलेक्शन बनेगा और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये सिलेक्शन बन गया, अब इसमें मैं दूसरा कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, ये कलर फिल कर दीजिए।
सॉरी, यहाँ से आप पहले लेयर ले लें ताकि दोनों को अलग अलग मैं दिखा सकता हूँ। अब कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दीजिए और मूव टूल पर जाइए और इसको इधर लाइए। देखिए, इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ठीक से नहीं मिला पाए थे तो इसलिए देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कर्व है। अगर आप इस तरह से ठीक से नहीं मिलाएंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन मेरे पास पाथ मौजूद है, ये देख रहे हैं पाथ मौजूद है, तो इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो पाथ आपको फिर से मिल जाएगा। यही फायदा होता है पाथ बनाने का। अब आप लेयर पर वापस आ जाइए और ऊपर वाले लेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गलत बन गया था। इस वाले लेयर पर वापस आएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको क्लिक करके एडजस्ट करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं इसको ये। अब उसके बाद बाहर कहीं पर भी क्लिक करके देख सकते हैं कि ये सही से सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। मेरे समझ से अब ये सिलेक्शन सही हो गया है। यस, राइट, अब ये सिलेक्शन सही से बन गया है। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करके सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो इतना राउंडेड भी अगर सिलेक्शन बनाना हो तो आप आसानी से सिलेक्शन बना सकते हैं। फ़ायदा किसका मिला? मुझे फ़ायदा मिला हैंडल्स का। हैंडल को अगर आप बचा कर रखेंगे, उसको डिलीट नहीं करेंगे, तो आप इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है जो हमने बताया था कि मैं पेन टूल अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये ऑटो ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट जो है उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, उसके लिए देखिए बताता हूँ मैं। अगर ये पाथ आपके पास है और इस पाथ को और भी बेहतर तरीके से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप ऐड एंकर पॉइंट करेंगे। वो कैसे, ये देखिए, मैं कंट्रोल डी से पहले इसको डी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रफली मैं क्लिक करता हूँ पहले, ठीक है ना। इस तरह से क्लिक कर देते हैं और ये जो आगे हैंडल जा रहा है इसको, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ पर ला करके मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ, इसको भी छोटा, यानी रफ सिलेक्शन पहले मैंने ऐसे कर लिया और उसके बाद इस तरह से मैंने कर लिया यहाँ और फिर ला कर यहाँ मिला दीजिए ऐसे। अब ये रफ सिलेक्शन मेरा बन गया है। अब हम लोग देखिए इसमें एंकर पॉइंट को ऐड कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। सबसे पहले इस पाथ को आपको एक्टिव करना पड़ेगा। पाथ को एक्टिव करने के लिए या तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ करके इस पर क्लिक कर दें इस पाथ पर तो ये एक्टिव हो जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि आप पेन टूल पर रहते हुए कंट्रोल प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में बदल जाएगा और आप इस पाथ पर क्लिक करते हैं ऐसे। इससे क्या हुआ, ये पाथ एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर ऑटो ऐड और डिलीट एंकर पॉइंट को चेक करके हमने रखा हुआ है और पेन टूल भी सिलेक्टेड है, तो जहाँ पर मैं यहाँ से क्लिक करूँगा जैसे ही पाथ पर, ये एंकर पॉइंट को ऐड कर देगा। जैसे ही आप पाथ पर आएंगे ये प्लस में बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एंकर पॉइंट पर जाएंगे ये देखिए माइनस में बदल जाएगा। देखिए क्लिक करते के साथ ये हट जाएगा। और अगर आपको ऐड करना है तो पाथ पर जाइए और ऐड कर दीजिए। इसका फ़ायदा अभी क्या होगा, स्मूथ सिलेक्शन हो जाएगा इससे। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आप सभी के सामने। एंकर पॉइंट को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। अब देखिए क्या करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाने के लिए कंट्रोल है, कंट्रोल प्रेस करिए और इसको ऊपर लेकर जाइए ऐसे। जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल। अब इसको भी मैं ऊपर लेकर जाऊँगा ऐसे, इसको भी मैं ऊपर लेकर जाऊँगा ऐसे, ठीक है ना। अब मैं इसके हैंडल को पकड़ पकड़ करके ठीक कर दूंगा। हैंडल को पकड़ने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि दोनों हैंडल मूव नहीं करेगा। इसको भी ऑल्ट प्रेस करके ऐसे लाकर मिला दीजिए। और इस वाले एंकर पॉइंट को अगर और ऊपर लेकर जाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं तो ये राउंडेड बनेगा। इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाना है तो आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए इस एंकर पॉइंट को पकड़ कर आप सीधा कर सकते हैं ऐसे। इस पर आप क्लिक करिए कंट्रोल प्रेस करके तो इसके दोनों हैंडल्स दिखाई देंगे। ये देखिए दोनों हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसको आप कंट्रोल प्रेस करके मिला सकते हैं ऐसे, इसको भी मिला सकते हैं ऐसे, और इसको भी ड्रैग करके आप इधर ला सकते हैं ऐसे। अब जिसको जिसको भी ठीक करना है आप कंट्रोल प्रेस करते जाइए और एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर नीचे लाकर ऐसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे लाकर मिला दीजिए और हैंडल को पकड़कर आप स्मूथ बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है हमारे पास अगर इस तरह के हैंडल्स हैं और इस तरह के एंकर पॉइंट्स हैं। तो अब मेरे समझ से आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि एंकर पॉइंट को ऐड करने से क्या फ़ायदा होता है,
हैंडल को रखने से क्या फ़ायदा होता है, हैंडल से कैसे स्मूथ बनाते हैं, और अगर हमने कोई पाथ बना लिया तो उसको शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आई थिंक सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि पेन टूल में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ों को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।